The Earth and the Moon are attracted to each other by a gravitational force. ठीक है, Earth और Moon एक दूसरे को gravitational force से attract करते हैं. Does the Earth attract the Moon with a force that is greater? क्या Earth ज़्यादा जोर से Moon को अपनी तरफ attract करता है? या कम जोर से अट्रैक्ट करता है, या स्मॉलर अट्रैक्ट करता है, स्मॉलर फोर्स से अट्रैक्ट करता है, या ग्रेटर से अट्रैक्ट करता है, या सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है? विद विच मून अट्रैक्ट द अर्थ, जिस फोर्स से मून अट्रैक्ट करता है क्या उसके बराबर या उससे छोटा या उससे बड़े फोर्स से अट्रैक्ट करता है, हमें यह बताना है. ठीक है, जरा यहां हमने अर्थ और मून को बना दिया. ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ मून है. ठीक है, और ये अर्थ है. अब हम वो फोर्स निकालते हैं जिससे अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा होगा. ठीक है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द मून. अब हमने वो फोर्स निकाला जिससे अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स है फोर्स अर्थ अट्रैक्ट मून, हमने लिख भी दिया फोर्स EM, फोर्स अर्थ अट्रैक्ट मून. तो उसको जब निकाला तो हमको फोर्स जो दो बॉडी के बीच में, जब भी कोई फोर्स निकालना हो ना, दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी, जी होता है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, एम वन एम टू, लेकिन यहां पर हमारे पास में मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास में जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें से एक अर्थ है तो उसका मास और जो मून है उसका मास, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया, उसका स्क्वायर यहां पर नीचे करना पड़ेगा. तो जब भी आपको किसी दो बॉडी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए तो आपको निकालना होता है जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट विथ मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट से उसको डिवाइड करना पड़ता है. तो यहां पर आपने वो किया, तो ये वो फोर्स है जिससे अर्थ ने मून को अपनी तरफ खींचा. ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट हमने अर्थ को माना और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने मून को माना और अर्थ ने मून को अपनी तरफ खींचा. अब दूसरा फोर्स निकालते हैं जिससे मून अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी. हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय मून ऑन द अर्थ, ये वो फोर्स है जिससे मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है. इसमें हमने लिख दिया फोर्स और यहां पर लिख दिया मून और ये लिख दिया अर्थ, फोर्स बाय विच मून अट्रैक्ट द अर्थ. तो दो ऑब्जेक्ट हैं ये भी, मून और अर्थ है, तो इसमें इसके लिए भी जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस बार ही मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मून और मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट है अर्थ, अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर. तो हमने देखा अरे बिल्कुल सेम है, जी वही है ना, एम ई यहां पर है, एम ई पीछे हो गया लेकिन है तो यहां पर, और एम मास ऑफ मून ये यहां पर है ना, दोनों है. यानी कि हमने देखा ओवरऑल जो फोर्स जिससे कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू है जी एम ई अपॉन एम एम, यानी कि मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ मून एंड अर्थ का स्क्वायर. और यहां पर जब देखा तो यहां पर भी सेम है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट यहां भी है वहां भी है, मास ऑफ मून यहां पर भी है, मास ऑफ मून यहां पर भी है, मास ऑफ अर्थ यहां पर भी है, मास ऑफ अर्थ यहां भी है, ऊपर भी दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, नीचे भी दोनों का प्रोडक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पर भी है. तो हमने देखा बिल्कुल सेम फोर्स है ना, तो यानी कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. अर्थ उसको ज्यादा जोर, ज्यादा अर्थ बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, मून छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के मासेस का प्रोडक्ट भी सेम होगा और दोनों के बीच की दूरी भी हमेशा सेम रहेगी. तो इस कारण से हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. तो हम यहां लिखेंगे सिंस
प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ, ठीक है, रिमेन सेम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो सेम, देयरफॉर दे बोथ, दोनों के दोनों अट्रैक्ट ईच अदर बाय सेम फोर्स, सेम फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जिस फोर्स से अर्थ मून को अपनी तरफ खींचता है उसी फोर्स से मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि बड़ी चीज और छोटी चीज अगर कोई दो अलग अलग चीजें हों वो एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना।